खूंटी जिले के पेरका गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कोरोना काल में सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले मास्क एवं सैनिटरी नैपकिन का निर्माण शुरू करवाया। झारखंड में इस बार कोरोना में यह देखने को मिला कि बहुत सारी संस्थाओं ने कोरोना से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई थी उन चुनौतियों को अवसर में बदला। कोरोना की वजह से पूरे देश में बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हो गए थे, लोगों की नौकरियां छूट गई थीं, जो छोटे मोटे रोज़गार कर रहे थे बड़ी मुश्किल से अपने अपने गांव तक लौटे थे। अब वैसी स्थिति में जो घर का खर्च भी चलाते थे अब उनका खर्च घर चलाए यह संभव नहीं था। ऐसे में लीड्स ने यह तय किया कि अगर महिलाओं को जोड़ा जाए तो घर का खर्च चलने में बहुत आसानी होगी। कुछ महिलाएं कार्यकर्ता के रूप में पहले से यहाँ थी, उन लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों से कोऑर्डिनेशन हुआ कैसे क्या हुआ। तो इन लोगों ने कोरोना में जो मास्क का बड़े पैमाने पर डिमांड आया या गांव में ही स्कूल की जो बच्चियाँ जो किशोरी हैं उनके लिए सैनिटरी पैड और मास्क निर्माण का काम शुरू किया महिला समूह बना करके। कैसे यह सारा कुछ हुआ हम यह जानते हैं इस संस्था की अधिकारी निर्झरनी रथ, जिनको लोग अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कि बगैर इनके घर में भोजन ठीक से नहीं बनता है और घर में भोजन बने सब सुखी रहें इसलिए भी यह नाम शायद उनको पड़ा है। तो उनसे पूछते हैं कैसे इसके बारे में इन्होंने सोचा। जैसे मार्च में शुरू हुआ कोरोना का सारा कहर बोल सकते हैं, तो हम लोग मास प्रोडक्शन के साथ साथ जो सैनिटरी नैपकिन है उसको लेकर के गांव की करीब 20-25 लड़कियों को लेकर के हमने ये काम शुरू किए और करीब 10 मशीन के साथ मास प्रोडक्शन किए। अभी तक लगभग 25,000 हम लोग मास प्रोडक्शन करके। कैसे आपके ध्यान में आया कि सैनिटरी नैपकिन का डिमांड है और इसकी खपत हो सकती है और इससे उनकी आमदनी हो सकती है? जैसे हम लोग जानते हैं कि एक सैनिटरी नैपकिन का जो पैकेट आती है 7 ठो का, उसका दाम है 30 रुपया, और 30 रुपया अगर हम लोग रखते हैं एक लड़की के लिए तो साल में लगभग 360 रुपया खर्चा हो जाता है। तो हम लोग देखे कि जो लड़कियां खास करके जो गांव में रहते हैं 360 रुपया खर्चा करने के लिए आमदनी भी उतनी होनी चाहिए। तो जब आमदनी 360 की नहीं है और सैनिटरी नैपकिन एडोलसेंट लड़कियां या फिर जो युवती हैं उनको ज़रूरत है, तो हम लोग इसको बनाने के सोचे। और फिर जब सोचे तो देखे कि जो मटेरियल कॉस्ट और उसके जो सिलाई और सारे चीज़ लगभग 20 से 21 रुपया तक आया। 20 से 21 रुपया मतलब 100 रुपीज़ में 4 ठो आ जाता है आराम से। तो हम लोग ये 4 को हम पूरे साल भर रीयूज़ कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, हम लोग जो लड़कियों को दे रहे हैं जिसका 360 रुपीज़ खर्चा होता था उसमें 100 रुपीज़ में ये 4 नैपकिन आ गया, सैनिटरी नैपकिन आ गया। उसमें उसको करना कुछ नहीं, जैसे यूज़ हो गया उसको साबुन से या फिर कोई भी ऐसे खारा साबुन से साफ करके उसको धूप में सुखा देना है जिसमें उसकी जीवाणु मर जाना चाहिए। उसके बाद जैसे सूख गया फिर उसको वो रीयूज़ कर सकती है। और इसको हम लोग दूसरों को यूज़ करने से पहले हम लोग खुद यहाँ जितनी लड़कियाँ हैं वो भी हम लोग यूज़ किए और फिर देखे कि इसमें हम लोग जो दूसरों को बोलते हैं उसमें भी हम लोग जब यूज़ करते हैं देखते हैं कि ये भी काफ़ी अच्छा है, हम लोग कर सकते हैं। लीड्स ने खूंटी जिले के पेरका गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कोरोना काल में सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले मास्क एवं सैनिटरी नैपकिन का निर्माण शुरू करवाया, जिससे कि लॉकडाउन में भी महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी रही। हम लोग को लीड संस्था ने हम लोग को मार्गदर्शन दिया लॉकडाउन के दौरान, और उसी दौरान हम लोग लीड संस्था के माध्यम से जानकारी मिला और सुझाव मिला और हम लोगों को सहयोग भी संस्था ने दिया। कपड़ा का, सुई धागा, सारा चीज़ का हम लोग, सारा मटेरियल का हम लोग को सुविधा दिया और हम लोग मास्क बनाना शुरू किए। और इसमें हम लोग 30 बच्चियों को सिलाई करवाए और हम लोग का यहाँ RSC केंद्र है, उनसे भी हम लोग सहयोग लिए और उन्हीं के माध्यम से इन सिलाई को भी चला रहे हैं। और हम लोग यहाँ सिलाई
करते हैं, प्रत्येक मास करवाते हैं बच्ची लोग से, तो प्रत्येक मास्क में हम लोग 5 रुपये के दर से देते हैं। और अभी मास्क सिलाई कर सिलाई हम लोग का अभी 20-25 हज़ार तक बन चुका है मास्क। और आगे हम लोग सोचे हैं, यहाँ पर बेरोजगार युवक युवतियाँ बहुत हैं, तो उन लोगों को रोज़गार देने के लिए हम लोग आगे भी यहाँ सिलाई करने के लिए स्कूल प्राथमिक स्कूल का यूनिफॉर्म सिलाई करने का भी हम लोग सोच रखे हैं। इतने बड़े पैमाने पर दीदी आप लोग मास्क बना रही हैं, तो इसका मार्केटिंग कैसे कर रहे थे आप लोग, कहाँ देते थे, क्या कर रहे हैं? अभी मास्क हम लोग 25 हज़ार तक सिलाई किए, तो हम लोग खूंटी ज़िला के सभी प्रखंड और खूंटी ज़िला के DC को भी हम लोग दिए, और सभी ब्लॉक के BDO को हम लोग दिए, और खूंटी ज़िला के अलावा और दूसरे ज़िला में भी हम लोग बांट चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, इसके पहले जो गांव की लड़कियां जो थी बेरोजगार थी, कैसे चल रहा था उन लोग बेरोजगार थी, तो उन लोग को जैसे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करती थी, तो उन लोग के लिए कॉपी पेंसिल खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता था। और यहाँ से हम लोग यहाँ उन लोग को सिखाए और उन लोग को रोजगार भी दिया, उन लोग का आर्थिक सहयोग मिला। तो लीड संस्था से आप लोगों को क्या मिला? लीड संस्था के माध्यम से सबसे पहले तो हम लोग को जानकारी मिला, और मशीन सिलाई मशीन का उपलब्ध हुआ, और यहाँ बिजली ठीक से नहीं रहता था तो हम लोग को सौर ऊर्जा भी यहाँ लगवा दिया, ये सारी सुविधाएं हम लोग के साथ हम लोग को दिया। महिलाओं ने घर के काम के बाद इकाई में आकर मास्क और सैनिटरी नैपकिन के निर्माण का कार्य बहुत ही जोर शोर से किया। अभी तक इन महिला समूह ने लगभग 25 हज़ार मास्क का निर्माण कर वितरण कर दिया है। हम लोग को पहले तो लॉकडाउन का भी हम लोग को जानकारी नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को मास्क पहनने का भी हम लोग को मतलब मास्क का नाम सुने ही नहीं थे। तो जब से लॉकडाउन हुआ तो हम लोग को संस्था के सर लोग बताए कि आप लोग मास्क बनाइए, ऐसा रहता है मास्क बोल कर हम लोग को बताया गया, और तब से हम लोग मास्क पहनना भी शुरू किए और बनाने भी शुरू किए, और उनका जानकारी भी मिला, और अभी हम लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। आप लोग में यहाँ काम कर रही हैं, इतनी सारी दीदी मिलकर के काम कर रही हैं, तो अभी कोरोना को लेकर के आप लोग को क्या जानकारी मिली और काम करते वक्त क्या क्या ध्यान रखते हैं? काम करते समय हम लोग सामाजिक दूरी मतलब दूरी एक एक मीटर दो दो मीटर की दूरी पर हम लोग लोगों को सिलाई करते समय हम लोग बैठते थे, और मास्क पहन करके ही हम लोग सिलाई करते थे। शुरू में जब हम लोग सिलाई शुरू किए थे तो बच्ची लोग उतना एक्सपीरियंस नहीं थी, और 30-40 ही सिलाई कर पाती थी। बाद में एक्सपीरियंस हो गई तो एक दिन में 120-130 मतलब सिलाई कर लेती थी, एक रोज में 500-600 रुपये कमा लेती थी। मास्क के साथ साथ और क्या क्या? पेटीकोट बनाते हैं, महिलाओं का ब्लाउज पेटीकोट, और महिलाओं से संबंधित सारे नेपकिन पेटीकोट, और बच्चियों का स्कर्ट फ्रॉक सेमीज, और बच्चों का जो स्कूल में यूनिफॉर्म है वो सब भी बनाते हैं हम लोग। यहाँ मास्क के साथ साथ मास्क बनाने के साथ में हम लोग सैनिटरी पैड भी हम लोग बनाते हैं, और इसको बना करके गांव की महिलाओं एवं किशोरियों को और आंगनबाड़ी केंद्र में और प्राथमिक स्कूल में भी हम लोग इनको देते हैं, और उनको जागरूक किए और इसको पहनने का हम लोग सिखाए उन लोगों। ये पैड हम लोग कपड़ा में हम लोग का कपड़ा सुई धागा सब में लगता है, कम से कम एक पैड में
18 से 19 रुपया। तो अभी जैसे रेडीमेड वाला ख़रीदते हैं तो उसमें से बहुत कोई को तो रिएक्शन भी हो जाता है, तो इसीलिए उन वो वाला ना ले करके हम लोग कपड़ा का ही यूज करेंगे, इसे हम लोग जानकारी दिए। और इसी इससे यह फायदा है कि इसको तो लंबे समय तक हम लोग 1 साल तक यूज कर सकते हैं, इसको धुलाई करके अच्छा से धो करके सुखा करके हम लोग यूज करते हैं। और जो रेडीमेड है उनको उसको अगर यूज करते हैं तो उसमें ज़्यादा, धोने के लिए हम लोग गर्म पानी सर्फ लगा करके हम लोग धोते हैं और धूप में ही इसको सुखाते हैं ताकि इसमें जो कीटाणु हैं उन्हें इससे हट जाए। मास्क के अलावा लीड्स ने देखा कि लॉकडाउन में लोगों की कमाई ना के बराबर हो गई है, जिसके कारण किशोरियों एवं महिलाओं पर सैनिटरी नैपकिन खरीदने का बोझ बढ़ेगा। इसलिए इसके समाधान के लिए उन्होंने महिला समूह से दोबारा इस्तेमाल में आने वाली सस्ती सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करवाया। आप देखेंगे कि एक बड़ा मुहिम हम लोग पूरे राज्य में चला रहे हैं सैनिटरी नैपकिन को लेकर के और मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर के। तो इसमें हम लोगों ने सोचा कि गाँव की लड़कियों का जो नैपकिन अभी बाज़ार में उपलब्ध है वो बहुत कॉस्टली है और लड़कियां यूज़ नहीं कर पाती हैं, चाहे उनके माँ बाप उतना कॉस्ट वहन नहीं कर पाते हैं, जिनकी 2 बेटियां हैं 3 बेटियां हैं तो उनको और समस्या होती है। तो हम लोगों ने उसका एक अल्टरनेटिव निकाला। वहीं पर हम लोगों ने अपने कैंपस में ही एक यूनिट लगाया है जिसमें 10 मशीन हैं जो सोलर एनर्जी से ही चलते हैं, और ये 10 मशीन में हम लोगों ने 30 लड़कियों को ट्रेन किया है, अलग अलग ग्रुप में वो लोग काम करती हैं। तो इसको हम लोगों ने अलग अलग डिज़ाइन का साइज के हिसाब से और गमिंग के हिसाब से हम लोगों ने कपड़े का ही बनाया है, सॉफ्ट कपड़े का बहुत ही सुंदर तरीके का डिज़ाइन है जिसमें कि 22 रुपया 23 रुपया एक सैनिटरी नैपकिन का दाम होता है, और 4 यदि एक लड़की को खरीद ले तो उसका साल भर और कोई खर्चा नहीं है, और हाइजीनिक भी है, उनको धुलाई उलाई करने के भी हम बता देते हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए कि 70-80 रुपये में साल भर चल सकता है, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। जो बाजार में सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं जो आपके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, दोनों में क्या अंतर? हमारा रीयूजेबल है, बाजार में जो है यूज एंड थ्रो का है और हमारा रीयूज कर सकते हैं, और साल भर तो गारंटेड है, सब चलेगा, अच्छे क्वालिटी के स्टिचिंग है, अच्छे क्वालिटी के कपड़े हैं और साइज के हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं, तो इसीलिए कोई इशू नहीं है उसमें, और ये हाइजीनिक भी है क्योंकि वन यूज़ एंड वॉशिंग का सिस्टम है, तो वन यूज़ है 4 देते हैं तो लड़कियों को यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम रोजगार की बात करें, कोरोना के कारण सारे लोग जो है संक्रमण से बचाव के लिए अपने चेहरे पे मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और आप मास्क निर्माण का भी कार्य कर रहे हैं, तो कितने सारे लोग रोजगार से जुड़ पाए हैं मास्क निर्माण में? मास्क का जो प्रोडक्शन है ये संजोग से हम लोग 10 लड़कियों को ट्रेनिंग दे रहे थे जनवरी से, ये बिना जाने कि अचानक इतना सारा काम आएगा हम लोगों को। वो 10 लड़कियां हमारा जहाँ सेंटर है वहीं किसी के आसपास की हैं, तो जब जैसे ही ये कोरोना का ये समस्या शुरू हुआ तो 1st week of April में हम लोगों को कुछ एजेंसी ने सपोर्ट किया कि आप मास्क बांटिए, ये बहुत ज़रूरी है रूरल इलाके के लिए ताकि कम्युनिटी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक शुरू किया और जो ट्रेंड लड़कियां थी उनको और थोड़ा ट्रेंड करके और तरह तरह के मास्क बनाने शुरू किए हम लोगों ने, अलग अलग कपड़े का, और अभी तक हम लोग जब बहुत ज़रूरत थी तो हम लोगों ने 3 शिफ्ट में लड़कियों को 30 लड़कियों के एंगेज किया, और प्रत्येक लड़कियां आप मान के चलिए कि 14-15 अप्रैल से लेकर के और अभी तक उनका हर लड़कियों का इनकम है 8 से 9 हज़ार रुपया मतलब महीना, क्योंकि एक मास्क के लिए हम लोग उनको प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपये देते हैं और एक लड़की 120 से 125 30 मास्क बना लेती है एक दिन में। तो इस तरह से सभी लड़कियों का फिर मशीन छोड़ना पड़ता है, तो 3 शिफ्ट बना दिए हम लोग 10-10 लड़कियों का, उसमें से कुछ लोग काटती हैं, कुछ लोग सिलती हैं, कुछ लोग पैकिंग करती हैं, और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों ने सप्लाई किया और अलग अलग जो पंचायत हैं पंचायत के लोगों को, थाना को, आंगनवाड़ी सेंटर्स को, ब्लॉक्स को, ब्लॉक ऑफिशियल्स को,
सबको हम लोगों ने खूंटी जिले में और आसपास के जिले में सप्लाई किया है। अगर सुरक्षा मानक की बात करें तो जो मास्क मिलाते हैं, जो सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2 लेयर के 3 लेयर पहुंचाए जिससे संक्रमण जो है बढ़ न सके, वो रुक जाए, तो सुरक्षा मानक का कितना ध्यान इस पर रखा जाता है? हाँ, इसमें उसके लिए भी ट्रेनिंग दी गई है उनको साइज और सुरक्षा मानक का। इस हिसाब से साइज तय किया गया है कि बिना किसी चेहरे पे दबाव का आप जब पीछे बांधते हैं तो चेहरे पे कहीं दबाव नहीं होगा, लेकिन अगर पूरा फेस कवर होगा आँख के नीचे से, तो एक है। और जो कपड़े हम लोग खरीदते हैं वो ऐसा सॉफ्ट फैब्रिक होता है और इतना घना होता है कि 2 लेयर का ही हम लोग बनाते हैं, 3 लेयर होने से बहुत हेवी हो जाता है और सांस लेने में इशू आता है लोगों का। तो 2 लेयर का सॉफ्ट कपड़ा और बहुत ही घना कपड़ा हम लोग देते हैं ताकि सांस भी लेने में कोई दिक्कत नहीं हो और कोई भी फंगल इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस अंदर में किसी रूप में नहीं जा पाए। और ये बाई एंड लार्ज हम लोग एडवाइस भी करते हैं लोगों को कि मास्क को डेली शाम को आप धो दीजिए ताकि सुबह उसको यूज़ कर सकें। और 4 के 4 का एक पर्सन के हिसाब से अलग अलग कलर का 4 का पैकेट बनाते हैं हम लोग। बाजार में मांग की बात करें तो आपके द्वारा जो मास्क बनाया जा रहा है, स्नेचर पैड बनाया जा रहा है, कितना मांग बाजार में है? अभी तक तो हम लोगों ने जो भी किया है और अपने ऑर्डर के ऊपर किया है, जैसे UNDP ने सपोर्ट किया था, ब्रेड फॉर द वर्ल्ड ने सपोर्ट किया था, कुछ स्टेट का सपोर्ट था, कुछ अंधेरी हिल्फे ने सपोर्ट किया था, कुछ ILP बेंगलुरु ने सपोर्ट किया था, करीब 25,000 मास्क हम लोग इन सब सपोर्ट से बनाए हैं। मार्केट में जो हम लोग ला रहे हैं वो 60 रुपये में 4 मास्क देने का काम कर रहे हैं। और अभी जो मार्केट में मिल रहा है सबसे बढ़िया क्वालिटी का स्टिचिंग, बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा, और उसकी 4 का सेट में हम लोग एक एक बना के दे रहे हैं 60 रुपये में। तो ये मार्केट में अभी हम लोग थोड़ा मोड़ा ट्राई किए हैं तो लोग खरीद रहे हैं इसको। 60 रुपये उनका जो है अफोर्डेबल भी है और 4 सेट मिल जाता है तो लोगों को बदलना और उसको यूज़ करने में थोड़ा सुविधा होती है, इसीलिए पॉपुलर भी है। लॉकडाउन में मास्क और सैनिटरी नैपकिन के निर्माण से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अच्छी आमदनी हुई है जिससे कि वो अपना घर अच्छे से चला रही हैं। अभी हम लोग अपने प्रोडक्शन सेंटर में तो यूज़ कर रहे हैं, आसपास के लड़कियों को भी बेचना शुरू किए हैं और लड़कियां भी इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपीस में 4 ठो लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 साल इसमें चल सकता है। अगर मान लीजिए कोई लड़की इसमें स्किल होती है, स्किल होने से क्या होता है कि देखिए मास्क भी प्रोडक्शन हो रहा है और ऊपर से सैनिटरी नैपकिन, और ये ऐसा चीज़ है हर लड़की को ज़रूरत है और 12 साल से ऊपर की सारे लड़की महिलाओं को ज़रूरत है। और ये जो हम लोग नैपकिन बना रहे हैं ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, जो पैंटी यूज़ करते हैं सिर्फ वो नहीं पहन सकते, जो महिला पैंटी भी नहीं यूज़ करते वो भी इसको पहन सकते हैं। देखिए हम लोग जैसे मानते हैं कि एक गांव में अगर 300 लगभग पॉपुलेशन है, लगभग 150 पॉपुलेशन में महिला है और 100 लड़कियां ऐसे हैं जो इसको यूज़ करेंगे, तो एक लड़की अगर अभी एम्प्लॉयमेंट जैसे अभी हम लोग अभी इसमें 25 लोग जुड़े हुए हैं, अभी जैसे दोनों को मिलाते हैं तो एक लड़की का कम से कम 2,000 से 3,000 रुपया आराम से घर में रहते हुए काम हो जाता है। इसमें बहुत फर्क है, आप एक बार सोचिए कि घर में कोई भी बच्चा खाने के लिए मांगेगा तो घर की महिलाओं को मांगेगा, घर की कोई भी पुरुष के पास पैसा नहीं होता तो महिलाओं को मांगेगा, हर चीज़ में महिलाएं कहीं ना कहीं एक ऐसा जगह पर है कि उसको हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ, उसके साथ पूरी परिवार जुड़ी हुई है। अगर वो घर में रहते हुए अपना काम करते हुए 2,000-3,000 कमा सकती है तो ये बहुत बड़ी बात है इस महामारी के समय पर। तो ये मुझे लगता है कि अपना काम के साथ साथ इसको करना बहुत ही बड़ी बात है और 3,000 रुपया काफ़ी होती है एक महिलाओं के लिए घर में रहते हुए। कोरोना के पीरियड में आपने मास्क निर्माण का भी काम शुरू किया, मास्क कितना बनाया अभी तक, कितना खपत हुआ और उससे कितने महिला समूह को जुड़ा, उनको क्या आमदनी? जैसे हम बोल चुके हैं कि 25,000 अभी तक मास्क प्रोडक्शन कर चुके हैं खूंटी में, लातेहार में, सिमडेगा में, लोहरदगा में और वेस्ट सिंहभूम में, खरेसला खरसवा में, सरेकला खरसवा में, सारे जगह पर हम लोग दिए हैं। तो इसमें काफ़ी महिला, मतलब 25 महिला तो अभी हम बोल रहे हैं जो हमारे सेंटर में हैं, बाकी बाहर में लगभग 50 लड़कियां इसमें जुड़ी हुई हैं और सबकी इनकम लगभग 5,000 से 8,000-9,000 के बीच में आ रहा है।
आप तो सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी आर्थिक सर्वेक्षण इनके घर का किया कि इनका पैसा जाने से घर में क्या फर्क आया? हाँ, इनका इन्हें ही आती है तो इनसे हम लोग बात करते हैं कि आप मान लीजिए आपके घर में 2000 रुपये गया या 5000 रुपये गया तो क्या किए, तो ये बहुत ही विविध तरह का फीडबैक आता है। कोई बोलती है कि माँ के लिए दवाई खरीदे, कोई बोलती है माँ के लिए हम कपड़ा खरीदे, अपने लिए कपड़ा खरीदे, कोई बोलती है भाई के लिए हम लोग किताब उताब खरीदे, कोई बोलते हैं कि अपने बाबा को डॉक्टर को दिखा दिए, बहुत दिन से खांसी था नहीं छूट रहा था तो उसको ठीक किए इस तरह से। फिर खाने में जो एक अच्छा ये हुआ है कि यहाँ के लोग साधारणतः टमाटर का झोल और भात खाते हैं, लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं अभी हम लोग थोड़ा खाने में दाल भी, जब यहाँ दाल हम लोग तैयार करते हैं तो अपने घर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से खाने की क्वालिटी, कुछ शिक्षा पे खर्चा करना, कुछ स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करना, ऐसा विविध तरह का फीडबैक हम लोगों को मिलता है। झारखंड बहुत ही कुपोषित इलाका है, देश का सबसे अमीर प्रदेश, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा कुपोषण, सबसे ज़्यादा भूख, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है और किस कोरोना ने तो तबाह कर दिया है। वैसी स्थिति में कुछ लोगों को ही रोज़गार दे पाना और वो भी ग्रीन एनर्जी से, बहुत बड़ी बात है। और उससे लोगों की सिर्फ माली हालत नहीं सुधर रही है, खाने पीने के बिहेवियर में भी बदलाव आ रहा है, प्रैक्टिस में भी बदलाव आ रहा है, और लोगों का, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग समझ रहे हैं, उनका और पास पड़ोस के लोगों के कुपोषण में भी कमी आ रही है और पलायन भी रुक रहा है। इस तरह से अगर संस्थाएं सामाजिक कार्य में जुटें तो हमको लगता है कि चीज़ें बदलेंगी, जो धीरे धीरे बदल रही हैं उनकी गति तेज होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।